देखिए 4.2 क्वेश्चन नंबर क्या है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर, क्या गिवन है? आई, तो गिवन है आई, आई इज इक्वल टू 35 एम्पियर, 35 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमको निकालनी है एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। आर दिया है 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10^-2 मीटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। टॉपिक तो याद होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, वी नो दैट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2πI/R। देखो ये फार्मूले बहुत, ये मतलब दो चार ऐसे फार्मूले हैं ना जो हीरो हैं, जो ना कुछ पार्टियों में कुछ लोग दिखाई ही पड़ेंगे, वो तो वहाँ मिलेंगे मिलेंगे, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2π की वैल्यू क्या होती है, 2 × 10^-7। आई कितना है, 35 एम्पियर अपॉन आर कितना है, 20 × 10^-2। साफ साफ कैलकुलेशन दिख रहा है, ये 10 हो जाएगा तो आएगा 35 × 10^-7, ये होगा और माइनस का बन प्लस का बन जाएगा, तो 35 × 10^-6। क्या ये आंसर यहाँ छोड़ा जा सकता है? इन्होंने नहीं, हम कह रहे किन्होंने, तुमने कहा इन्होंने, किन्होंने, इन्होंने लिया हो चाहे ना लिया हो, अपनों ने लेना है। नहीं नहीं ये नहीं सही है, 10^ में अगर आंसर है तो डेसिमल एक डिजिट बाद ही सही है, वो अलग की बात, किताब में क्या दिया हुआ है, किताब में तो लोग तो भी 1000 11111 ही बोलते हैं, और बड़े रौब से कहेंगे 11111 लिखिए, कहीं आप किसी स्टूडेंट पढ़ाएंगे तो कोई रिश्तेदार उनका आएगा, कोई रिलेटिव आएगा, तो रिलेटिव सब ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं टीचर से, अगर थोड़ा पढ़े हैं तो और इंटेलिजेंट, अगर अपने टीचर से पूछना 11111 लिख के दिखाएं, मतलब इंटर स्टूडेंट से कह रहे अपने टीचर से पूछा, उसने पूछ भी दिया, हम कहा किस गधे ने कहा है, अब गधा अंदर बैठा था बगले में मौसा, गधा सुन भी रहा था, अरे हमको मालूम था कोई रिश्तेदारी ने कहा होगा, किस गधे ने कहा, कहन वो मेरे मौसा ने कहा, हम कहा 1100 लिखे पहले, वो 1100 कोई डिजिट होती है, तो वही आप आंसर क्या लिखा जाता है उस पर ध्यान दीजिए, आंसर हमेशा 10^ में होगा तो डेसिमल का एक डिजिट बाद होना चाहिए, यानी 3.5 × 10^ क्या होगा, ये पक्का है ना, कैसे 10^ एडजस्ट होती है सबको मालूम है ना, हमें नहीं मालूम है, हम तो डिवाइड करके मन में कर लेते हैं, -5 टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, क्या टफ है इसमें, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ज़्यादा टेक्निकल नहीं आते, बिल्कुल तामझाम आते हो, थोड़ा